जनवरी माह में प्रस्तावित कोविड 19 वैक्सीन के टीकाकरण संबंधित बैठक जिला अधिकारी के विजेंद्र पांडियन की अध्यक्षता में कलेक्ट्रेट सभागार में संपन्न हुई। बैठक में मुख्य विकास अधिकारी इंद्रजीत सिंह, मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर श्रीकांत तिवारी सहित संबंधित विभागों के अधिकारी मौजूद रहे। बैठक में कोविड 19 वैक्सीन प्राप्त होने के बाद संभावित जनवरी माह टीकाकरण होने की संभावना है, जो जनपद के सभी सीएससी, पीएससी, मेडिकल कॉलेज एवं जिला अस्पतालों में होना है, जिसके लिए टीमें गठित कर ली गई हैं। बैठक में जिलाधिकारी के विजेंद्र पांडेय ने कहा कि पहले सभी स्वास्थ्य कर्मियों के साथ सफाई कर्मियों को टीका लगाया जाएगा तथा प्रत्येक टीका लगाने वाले व्यक्ति को 30 मिनट तक वहां बैठा कर उसके इन्फेक्शन पर नजर रखी जाएगी। इसके अलावा बुखार से पीड़ित व्यक्ति तथा अन्य बीमारी से ग्रसित व्यक्तियों को चिकित्सक के परामर्श के बाद ही टीका लगाया जाएगा। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर श्रीकांत तिवारी ने कहा, सबसे ज्यादा सहयोग हमें फर्स्ट फेज खास करके चाहिए। पुलिस का क्या सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से सब पूरा वहां से लिख के आया है कि हमारे हर कोल्ड चेन पॉइंट पे राउंड द क्लॉक वैक्सीन सिक्योरिटी के लिए पर्सनल चाहिए। जहां हम वैक्सीनेट कर रहे होंगे बूथ पे, वहां सिक्योरिटी पर्सनल उन दो के इसके बारे में ब्रीफली बनाया गया है पीपीटी। मैं पाटिल साहब से रिक्वेस्ट करूंगा कि सभी विभागों को अवगत कराएं, क्योंकि बहुत सारी भ्रांतियां हैं, बहुत सारी चीजें क्लियर नहीं है लोगों को। जबकि क्रिस्टल क्लियर इसका नेशनल टेस्ट भी हो गया है, तो वो सारी चीजें सभी लोग अवगत हो जाएं। इस हेल्थ केयर वर्कर्स में जो आएंगे वो सब लोग जो भी डायरेक्टली हेल्थ में काम करते हैं, वो प्राइवेट हो या गवर्नमेंट, दोनों इंक्लूडेड है। हमारे आंगनवाड़ी काम करते हैं वो भी इसमें इंक्लूडेड है। इसकी हमें कोई अभी आज के शासन से कोई ये नहीं है, गाइडलाइन नहीं है, लेकिन फ्रंटलाइन वर्कर्स हमारे सेकेंड फेज में होंगे। फ्रंटलाइन वर्कर्स का डेफिनेशन क्या है आपका? जो सर डायरेक्टली पब्लिक के साथ कॉन्टैक्ट करते हो, उस पे क्या सारे गवर्नमेंट का सर्वेंट एक तरफ से? जी सर, जहाँ सारे सभी गवर्नमेंट के सर्वेंट एक तरफ से आ जाएंगे, यानी पुलिस विभाग हो गया, सफाई कर्मी, बैंक वर्कर्स भी आएंगे सर, आ सकते सर। अभी वैसे नहीं आया सर, उसमें नगर निगम, पुलिस, होमगार्ड, सफाई कर्मी, इनको जोड़ा गया है। मतलब केवल गवर्नमेंट महकमा ले रहे हैं? नहीं हुए हैं या फर्स्ट और सेकंड में। और दूसरे 50 के भी लोग, वो लोग जो किसी भी बीमारी जैसे कैंसर से, डायबिटीज से, हाइपरटेंशन से, किडनी डिजीज से ग्रसित हैं, वो सारे थर्ड होंगे। फोर्थ फेज अभी डिसाइड नहीं है, और पॉलिसी भी कुछ इस तरह से है कि सभी पॉपुलेशन, पूरी पॉपुलेशन इंडिया की इम्यूनाइज नहीं करना। हॉस्पिटल को छोड़कर कोई भी हमारा फेज वन में फैसिलिटी नहीं है वैक्सीनेशन साइड। फॉर एग्जांपल सर, सीएचसी हो सकते हैं, ब्लॉक पीएचसी हो सकते हैं, डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल, डिस्ट्रिक्ट वुमेन हॉस्पिटल, कंबाइंड हॉस्पिटल, अर्बन सीएचसी, पीएचसी, यानी जहाँ पे भी अगर हमें कोई भी इश्यू होता है, हम मेडिकल कॉलेज को भी लेना होगा। जी सर, मेडिकल कॉलेज, एम्स, मेडिकल कॉलेज सर, एम्स सर, रेलवे भी होगा। अगर सर कोरोना वैक्सीनेशन की सारी प्रायर प्रिपरेशंस जो है, कैसे स्टोर होगा, कितनी टीमें लगेंगी, कहाँ कहाँ हमारे बूथ बनेंगे, और जो फर्स्ट फेज में हेल्थ डिपार्टमेंट के फ्रंटलाइन वर्कर्स हैं, फ्रॉम स्वीपर टू डॉक्टर, सभी को, चाहे वो प्राइवेट के हों, गवर्नमेंट के हों, होम्योपैथी के, नानी, आयुर्वेदिक, किसी के भी हों, उन सबको इम्यूनाइज किया जाना है। संख्या करीब हमारे 23,000 के करीब है गोरखपुर की। उसके लिए पर्याप्त बूथ और पर्याप्त वैक्सीनेटर और जो हमारे अन्य उसमें कर्मचारी लगेंगे उनकी लाइन लिस्टिंग करके व्यवस्था कर दी गई है। कोविन पोर्टल पे इसको फीड कर दिया गया है, क्योंकि इसमें वैक्सीनेशन में उसी व्यक्ति के मोबाइल नंबर पे टाइम और प्लेस आएगा कि इतने बजे आप फला कोविड सेंटर पे, फला वैक्सीनेशन सेंटर पे जाके फला तारीख को अपना वैक्सीनेशन करा लें। वैक्सीनेशन जो होगा सोमवार, शुक्रवार और
फिर सोमवार, तीन दिन होगा। उसके बाद जो सेकंड वीक का शुक्रवार होगा वो मॉपअप राउंड होगा। तो इसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है और इसके पोस्ट कोविड कोई प्रॉब्लम नहीं होती वैक्सीनेशन के बाद। बहुत होता है तो हल्का सा फीवर आता है या कहीं पर हल्की स्वेलिंग आती है, उसके लिए वहाँ पर पर्याप्त दवाइयाँ रहेंगी। अगर किसी को घबराहट या किसी भी प्रकार की कोई एलर्जी की बात आती है तो उसके लिए चूँकि ये हमारे सभी हेल्थ सेंटर्स पर ही हो रहा है, चाहे वो अर्बन PSCs हो, रूरल PSCs हो या हॉस्पिटल्स हों, BRD हो, उन्हीं जगहों पर हो रहा है, तो वहाँ चिकित्सक मौजूद रहेंगे। पर ऐसी कोई संभावना नहीं है। उम्मीद है कि वैक्सीन हमें जनवरी में मिलेगी और जैसे ही आदेश आएंगे कि इसको शुरू कराना है वैक्सीनेशन, हमारी सब चीज़ें तैयार हैं और हम उसको शुरू करा लेंगे। सर कुछ एहतियाती बरतना, जैसे मान लीजिए किसी को बुखार है या उम्र ज़्यादा है, अगर बुखार आता है और कोई दर्द होता है कोई, वो तो वो चिकित्सक को बताएं और उसके लिए हम पहले से ही उनको टैबलेट्स वगैरह देंगे और ये समझा के भेजेंगे कि वैक्सीनेशन करने के बाद हम उनको आधा घंटा रोकते हैं, किसी प्रकार की उनको दिक्कत हो रही है तो वहीं पर उसको समाधान किया जाएगा, ट्रीट किया जाएगा। और उनके उनको बताया भी जाएगा कि अगर आपको बुखार आता है तो आप पैरासिटामोल ले लें, अगर आपको उस साइट पे जहाँ वैक्सीनेशन किया गया है उसमें दर्द होता है तो बर्फ से सिकाई कर लें। यही दो चीज़ें ज़्यादातर होती हैं, अन्यथा कोई और गंभीर समस्या नहीं आती है।